are so heartless and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need. So don't leave me alone. बिस्मिल्लाह पढ़ के लेकिन ये साबत निकलाइए बीच में से, इसको हम बाद में काट लेंगे, मगर इसको धो धा के अच्छी तरह से इनको वॉश करना है ऐसे अपने गोरे चिट्टे हाथों से। ये देखने में आपको बड़ी काली लग रही है, बड़ी मजे की कांजी बनती है। आप लेंगे तो यकीन करें आप याद करेंगे किसी ने दिखाई है बाजार से तो पीते हैं, उनका क्या पता कौन सा पानी कौन क्या नहीं। लेकिन आपने पता क्या करना है, इसमें फिल्टर वाला पानी डालना बस और कुछ नहीं है, बाकी मसाले हैं तो डाल लें। अभी जार नहीं है, जार इंशाल्लाह लेके आएंगे तो जार में डाल देंगे। और स्टील की बाल्टी, सिल्वर नहीं लेना आपने, और भी दूसरा कोई नहीं बर्तन, हाँ मट्टी का बर्तन हो या फिर ये शीशे का हो या ये स्टील की। तो आर भी लिए मैं, ये देखो बाल्टी में आ गया, मसाले में डालती हूँ तो अभी आपको दिखाती हूँ। 2 किलो गाजर ली थी मैंने, ये आप तो बाद में भी कर सकते हैं जब इसमें पानी अनलिमिटेड पड़ जाता है, मैं बाल्टी भर दूंगी बाद में। अभी तो मैं ये डाल के ना ऐसे ही रखूंगी। तो गाजरों को गलाने के लिए ये साबत जो है हम बाद में इसको कर देते हैं काट के। ये है मिर्च, रेड मिर्च है, ये ठीक है। डालें नहीं डालनी, ना डालें, हमने वैसे ही डाल लिया। तो ये है जी राई है, ये पैकिंग में नेमत खाने से ली हुई है। तो ये देखें ये राई डालेंगे आप, ये राई ही है ना। मैंने अचार में डाली है, राई है ऊपर लिखा हुआ। राई है, मुझे पता है राई है। अच्छा मैंने देखा ये इसकी, हाँ हाँ ये राई है। तो ये मैंने तकरीबन ये जो था ना इतना तकरीबन आधे से थोड़ा पैकेट डाल दिया, बाकी मैंने रख लिया। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए नाज़रीन, कल जो हमने कांजी बनाई थी इसमें तकरीबन नमक नहीं डाला था, ये नमक डालेंगे जो नेमत खाने से घर पे नहीं था, कल लेके आए हैं। तो तकरीबन ये ऐसे करके डाल देते हैं, तो ज़्यादा नहीं डालते, इतना डाल लेते हैं, बाकी जैसे ही फिर वो होगा तो फिर कर लेंगे। ठीक है, नमक डाल दिया और अब इसमें ना हम पानी डाल देंगे, इसको भर देंगे पानी से। तो ये तकरीबन हम एक हफ्ता पड़ा रहने दें, उसके बाद ये कांजी तैयार हो जाएगी, फिर आपको खोल के दिखाएंगे। ठीक है, इसमें मैं पानी डालती हूँ। ठीक है जी, पानी डालते हैं। ठीक है, पानी डाल के आपको ये देखें जी, मैंने पानी से इतनी बाल्टी भर दी है क्योंकि ये मर्तबान और यहाँ कोई ऐसा जार नहीं था, मटका भी नहीं था, तो मैंने इसी बाल्टी में ही बनाई है। ये देखें, स्टील की बाल्टी में बना सकते हैं आप, तो इस तरह ये बना दी। अब इसको आप अच्छी तरह से ना चम्मच से हिला दे, मैं आपको बताती हूँ। स्टील का ही चम्मच मैंने लिया है, ये देखें इससे मैंने अच्छी तरह से ये देखें हिला दी है ये गाजर। इसमें ये 10 दिन बाद आप देखिएगा ऐसे गल के इसका तेज सारा पानी में आ जाएगा। फिर आप चाहें तो इसे बोतलों में भर के फ्रिज में रख लें, थोड़ी थोड़ी यूज़ करते जाएं, क्योंकि बेचने वालों ने तो बेचनी होती है, हमने घर में यूज़ करनी है, घर में इस्तेमाल करनी है। ये बहुत मज़े का मशरूब सा बन जाएगा, खट्टा मीठा बड़ा मज़ा आएगा फिर पीने में। तो ये देखें मैं इसमें ये कर दूँगी ढकना, अब ढकना बिल्कुल टाइट सा है तो इसको ये रख दिया है। तो 10 के दिन बाद हम इसे, वैसे 3-4 दिन बाद भी तैयार, लेकिन 10 दिन तक आप इसे ऐसे फिर खोल के देखिएगा, फिर आपको गिलास में डालेंगे
फिर चेक करके बताएंगे कैसी बनी है, ठीक है। तो इस पे वाइंड अप करते हैं, फिर जो नेक्स्ट है जब तैयार होगी वो दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़। ये देखें तकरीबन 9 या 10 दिन हो गए, तो हम ये कांजी की शक्ल आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के ओपन करेंगे। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब इसको आप और हम इसमें गिलास में देखें, ये देखें माशाल्लाह इसका कलर क्या, अल्लाह ने गाजरों का कलर बनाया था। और क्या डबल एड करो, डबल एड, डबल एड। तो अल्लाह पाक ने देखे ना गाजरों का कलर जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैकिश पर्पली है। और माशाल्लाह ये जब मशरूम तैयार हुआ, देखे इसमें ना 3-4 मरतबा इतना ही पानी डल सकेगा आप डाल के। मैं अब आपको गिलास में डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें कि इतना डाल के, तो ये बहुत ज़्यादा खट्टा है ना क्योंकि पानी कम डाला था। तो मैं इसमें पानी डालती हूँ थोड़ा सा, और फिर ये अभी पी कर आपको बताती हूँ। मैं सिर्फ इतनी पीऊँगी, बाकी मैं बाल्टी में डाल देती हूँ क्योंकि जूठा नहीं करना। ये बाल्टी में डाल दिया मैंने, तो थोड़ा सा मुझे डस्ट एलर्जी है, अभी मौसम बहार शुरू है, तो मैं थोड़ा सा चखने के लिए पी रही हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाह। यकीन करें इतनी मज़े की, इतनी मज़े की कि मैं बयान नहीं कर सकती। इसी के साथ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, व्लॉग में ये व्लॉग जो मैंने बनाया ना इसको ज़रूर ट्राई करें और पिए, दुआओं में याद रखें। यकीन करें मान जाएंगे कि गुप्ता जी ने कांजी बनाई है। अल्लाह हाफिज़। Only time.